अहिरवार जी, इस समय जो पूरे भारतवर्ष के अंदर और अभी आप एडवोकेट हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के चार जज, सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने अभी ये बोल दिया कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ये खतरे में किस प्रकार से, और आप अधिवक्ता हैं तो आप बताएं खतरे में कैसे हैं? इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, थोड़ा तेज बोले सर, इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है जी, उस समय से ये मनुवाद की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये जमीन के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षित है समाज है, उसके बाद में यहाँ महिलाओं के साथ में अत्याचार आए दिन हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी सरकार काम करना नहीं चाहती। इससे पहले भी 70 वर्ष पूर्व जो भी सरकारें रही उनने भी काम नहीं किया, वर्तमान में भी ये केंद्र की सरकार और राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आज तक उनने, मैं नहीं समझता कि जब से उनकी सरकारें बनी तब से अत्याचार निरंतर बढ़े हैं और शेड्यूल कास्ट शूद्र समाज के ऊपर तो ज़्यादा अत्याचार बढ़े हैं। इनके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन सरकार आगे नहीं आ रही, वो धार्मिक मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा आगे आती और वो काम बिल्कुल नहीं कर रही। समाज को आगे बढ़ाने के हित में कोई भी उनका आज तक ऐसी कोई योजना का उनने अभी तक लेके नहीं आए। तो सर ये समाज जो ये बिखरा हुआ समाज है, और जब बिखरा हुआ होता है तो उस पर तो सभी अटैक करते हैं, तो कोई सरकार का इस तरीके का कोई पहले मुहिम तो नहीं है, या हजारों वर्ष से ऐसा होता आया है? हमने भीमसेना के माध्यम से इस देश पे मैसेज भी देना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि हम मैं मध्य प्रदेश से हूँ चूँकि इसलिए, और हमारे राजेंद्र जी मान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरे भारतवर्ष से, हम जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो गए हम मुँह तोड़ उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर शासन प्रशासन अपने लेवल पे काम नहीं करता है तो मजबूरन है कि हमें भी लठा उठाना पड़ेगा और मैदान में आना पड़ेगा। तो सर ये जैसे 2019 की जो मुहिम है, जब चुनाव होंगे तो उसके अंदर आप लोगों को क्या अपील करेंगे कि आप किस तरीके से वोट डलवाएंगे? मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी निकम्मी और नालायक सरकार को सत्ता से बाहर करें और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करें इस देश के अंदर जो मानवों के हित के लिए कार्य करें।